गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। iOS 17.5.1 का अपडेट इंस्टॉल किया है मैंने अपने आईफोन 12 के ऊपर। इसका जो है अभी के अभी जो है ये जो है अपडेट आ चुका था, यानी कि 11:30 के बजे जो है तकरीबन देखने को मिल गया। अभी आप देख सकते हो 12 जो है बज रहे हैं अभी। सो मेरे केस में आईफोन 12 के ऊपर जो है कितना साइज देखने को मिला है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, मैं आपको वो शेयर करूँगा। सो मेरे केस में ये अपडेट पहले आपको बताऊँगा कि ये एप्पल ने क्यों रिलीज किया है, वो मैं आपको फुल डिटेल बताने वाला हूँ। सो अभी आप देख सकते हो साफ साफ जो है यहाँ पर क्लियर है कि इस अपडेट में हमको जो है जो हमारे बग्स थे iOS 17.5 के अपडेट में उस चीज़ को फिक्स किया गया है। और एक जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा इशू था कि एक मैं एड्रेस और जो हमारी पुरानी फोटोज वगैरह थी वो दोस्तों एक हमारा जो भी डेटा वगैरह डेटाबेस वगैरह था वो एक तरह से दूसरे फ़ोन में दूसरी लाइब्रेरी वगैरह में चला जा रहा था। तो वो चीज़ को इस अपडेट में जो है काफ़ी ज़्यादा फिक्सेस कर दिया गया है। अब तो आप अगर तो आप वो प्रॉब्लम फिक्स करना चाहते हो तो आपको ये जरूर अपडेट जो है इंस्टॉल करना चाहिए अपने आईफोन के ऊपर। सो मेरे केस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिला है मैं आपको ऐसे बताता हूँ, क्योंकि ये अपडेट मैंने बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में किया है और इसका मैंने जो है स्क्रीनशॉट नहीं लिए। सो मैंने जो है आपको एक तरह से आपको बताऊंगा कि आपको जो है क्या जो है मुझे क्या क्या जो है इसमें चेंजेस देखने को मिला है। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि इसमें मुझे जो है बिल्ड नंबर चेंज देखने को मिला है। सेकंड नंबर पर इसके जो है 2 से 3 GB मुझे जो है फ्री देखने को मिले हैं मुझे आईफोन 12 के ऊपर। 64 GB मेरे पास वेरियंट है और ये दोस्तों मुझे 2 से 3 GB मुझे जो है फ्री देखने को मिली है। और मेरा सिस्टम डेटा जो है वो दोस्तों 102 GB बढ़ गया है। बैटरी मेरी उतनी की उतनी है। और आपको मैं फुल रिव्यू अगर आप देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ वेट कीजिए, आपको जो है 102 दिन तक जो है मेरे के आपको जो है इसका जो है फुल रिव्यू देखने को मिल जाएगा। सो गाइस आपको वीडियो किस तरह से लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स सो मच।